और ये जो ट्रिक बताने जा रही हूँ ना, इसको कभी मत भूलना। इस ट्रिक से ही आप हमेशा इन दोनों वर्ड्स को ठीक से यूज कर पाएंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। फ्रेंड्स, आज मैं उन दो वर्ड्स की बात करने जा रही हूँ जिनके लिए काफ़ी लोग जो है काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, और जब सेंटेंसेस में उनको यूज़ करते हैं तो उनको पता नहीं चलता कि कौन सा वर्ड यूज़ करें। और वो दो वर्ड्स हैं वीक, डब्ल्यू डबल ई के वीक, और दूसरा डब्ल्यू ई ए के वीक। तो आज मैं दोनों का डिफरेंस आपको बताऊंगी और दोनों का जो मीनिंग भी आपको बताऊंगी, सो दैट कभी भी आने वाले समय में आप कभी भी गलती नहीं करें और इन दोनों वर्ड्स को यूज़ करने में बहुत बहुत कॉन्फिडेंट फील करें। सबसे पहले ले लेते हैं डब्ल्यू डबल ई के, डब्ल्यू ई ई के, ठीक है। ये वाले वीक का मतलब होता है सप्ताह, हफ्ता भी बोलते हैं इसको, ठीक है, जिसमें 7 days होते हैं, मंडे से लेकर संडे तक, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये क्या होता है, ये वीक होता है डब्ल्यू ई ई के वीक, ठीक है। और दूसरा वीक होता है डब्ल्यू ई ए के वीक, इसका मतलब होता है कमज़ोर, ठीक है, कि वीक फील कर रहा हूँ मैं, अगर ये बोलना है तो उसके लिए डब्ल्यू ई ए के यूज़ करेंगे, ठीक है, कमज़ोर फील कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कुछ सेंटेंसेस बता देती हूँ मैं आपको। फर्स्ट सेंटेंस तो यही ले लेते हैं कि देयर आर 7 days इन अ वीक, तो कौन सा वीक आएगा, डब्ल्यू डबल ई के, ठीक है, डब्ल्यू ई ई के वीक आएगा वहाँ पर। और अगर मैं ये बोलूँ माई फादर गोज टू ऑफिस 5 days अ वीक, मेरे फादर जो हैं वो 5 दिन ऑफिस जाते हैं एक हफ्ते में, तो वहाँ पर भी 5 days अ वीक, कौन सा वीक आएगा, डब्ल्यू ई ई के, ठीक है। और अगर मैं ये बोलूँ ही ब्रोक हिज लेग लास्ट वीक, ठीक है, कि पिछले हफ्ते जो है उसकी टांग टूट गई, तो उसमें कौन सा वीक आएगा, डब्ल्यू ई ई के वाला ही आएगा, क्योंकि पिछले हफ्ते उसकी टांग टूट गई, ही ब्रोक हिज लेग लास्ट वीक, तो डब्ल्यू ई ई के वाला आएगा। और अगर ये बोलूँ मैं ही इज फीलिंग टू वीक टू वॉक, ठीक है, तो वो क्या होगा, कौन सा वीक आएगा, डब्ल्यू ई ए के, कि वो इतना वीक फील कर रहा है कि वो चल नहीं सकता, ठीक है। इसी को ही दूसरी तरह से हम कैसे बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, कि वो इतना वीक है कि वो चल नहीं सकता, ही इज सो वीक, तो कौन सा वीक आएगा, डब्ल्यू ई ए के वीक आएगा, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि आई वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक, कि मैं पिछले हफ्ते दिल्ली गई थी, तो कौन सा वीक आएगा, डब्ल्यू ई ई के वाला वीक आएगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स भी करवा दिए हैं, जिसको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन भी बोलते हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया था वीक का क्या होता है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, वीक, वीकर, वीकेस्ट, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूँ माई सिस्टर इज वीकर दैन मी, तो कौन सा वीक आएगा, डब्ल्यू ई ए के ई आर, वीकर, माई सिस्टर इज वीकर दैन मी, मतलब मेरी सिस्टर जो है वो मेरे से वीक है। और अगर मैं ये बोलूं कि सपोज हमने किसी का नाम ले दिया कि टीना जो है वो पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, तो कैसे बोलेंगे, टीना इज़ द वीकेस्ट गर्ल इन द होल क्लास, है ना, या फिर इन द क्लास, तो टीना इज़ द वीकेस्ट गर्ल, तो उसमें भी कौन सा वीक यूज़ होगा, डब्ल्यू ई ए के और साथ में ई एस टी, वीकेस्ट गर्ल। तो इस तरह से मैंने ये भी बता दिया कि डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन जो है वो किस तरह से आपने यूज़ करना है। और एक लास्ट सेंटेंस और करवा देती हूँ, वो ये, आई टुक 2 weeks ऑफ फ्रॉम माई जॉब, कि मैंने अपनी जॉब से 2 हफ्ते की छुट्टी ली, तो कौन सा वीक आएगा, डब्ल्यू ई ई के, एस भी लग जाएगा साथ में, आई टुक 2 weeks ऑफ, ठीक है, 2 है ना, तो वीक्स आएगा, तो डब्ल्यू ई ई के एस वीक्स आएगा, ठीक है। अब ये तो जैसे कि मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम ये तो हमें पता है कि एक वीक जो है वो कमज़ोर के लिए यूज़ होता है और दूसरा वीक जो है वो यूज़ होता है हफ्ते के लिए, सप्ताह के लिए, ठीक है, 7 दिनों के लिए जो वीक में होते हैं 7 दिन, तो लेकिन हमें ये जब हम लिखने लगते हैं तो हमें भूल जाता है कि कौन सा वीक कहाँ पर आएगा। ये तो पता है कि क्या होता है, ये मीनिंग भी पता है कि अलग अलग होते हैं, लेकिन जब यूज़ करने लगते हैं तो वो भूल जाते हैं। तो मैं एक ट्रिक जो है उनको बता देती हूँ जिससे उनको अच्छा लगता है, वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं यूज़ करने में। वो ट्रिक ये है, वो ये कि डब्ल्यू ई ई के वीक क्या होता है, 1 week होता है ना, मतलब एक हफ्ता, तो लंबा चलता है, वो कैसे चलता है, मंडे से लेकर संडे तक, या फिर संडे से लेकर आप बोलो कि सैटरडे तक चलता है, ठीक है, तो वीक लंबा चलता है, तो डबल ई, ठीक है, डबल ई डाल दिया तो वो लंबा ई हो गया ना, तो जहाँ पर लंबा ई आता है वो यूज़ होता है हमारा सप्ताह के लिए,
ठीक है। तो ये एक ट्रिक है जो मैंने जब छोटी थी कभी अपने लिए यूज़ करती थी मैं, ताकि मैं कभी गलती नहीं करूँ इन टू वर्ड्स को यूज़ करने में, और वही मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताई तो उन्होंने भी कॉन्फिडेंट फील किया और उनको अच्छा लगा। तो इस तरह के ट्रिक्स जो है वो मैं बताती रहती हूँ अपने स्टूडेंट्स को और वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं फिर उन दोनों वर्ड्स को यूज़ करने में। आई होप आप भी कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे और कभी गलती नहीं करेंगे इन दोनों वर्ड्स को यूज़ करने में आगे से। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा तो लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कर देना, शेयर कर लेना अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो लगता है इससे बेनिफिटेड हो पाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए हैं और लगता है कि मेरा चैनल आपके लिए कुछ यूज़फुल हो सकता है तो सब्सक्राइब के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, बट बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि उसी से मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो चलिए करते हैं हम गुड बाय, जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ्स।